विधानसभा चुनावों के दौरान झुंझुनू के अंतर्गत आने वाली सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। कारण ये है कि पिछले दो चुनावों में यह भाजपा का कब्जा रहा है। यह मौजूदा वक्त में भाजपा के सुभाष पूनिया विधायक हैं। ये सीट 2003 तक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, हालांकि अब एक सामान्य सीट है। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड सुंदर लाल के नाम है। उन्होंने यह 5 बार जीत का परचम लहराया है। इस सीट पर अब तक हुए 13 विधानसभा चुनावों में सिर्फ 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 बार भाजपा, 2 बार निर्दलीय और स्वराज पार्टी, तो वहीं एक एक बार जनता दल और जनता पार्टी ने यह जीत का खाता खोला है। अगर यह बात करें तो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गठन 1962 में हुआ था। गठन के साथ ही ये क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। 1967 के चुनावों में यह स्वराज पार्टी के सूरजमल की जीत हुई और कांग्रेस को हार मिली। फिर 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सुंदरलाल को टिकट दिया और उन्हें जीत भी मिली। वही 1977 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सुंदरलाल हार गए और जनता पार्टी के सुभाष चंद्र आर्य जीत गए। उसके बाद 1980 के चुनावों में कांग्रेस के बागी सुंदरलाल की जीत हुई और कांग्रेस और जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। फिर 1985 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सुंदरलाल एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। फिर 1990 के चुनावों में जनता दल के बाबूलाल ने जीत हासिल की और कांग्रेस हार गई। उसके बाद 1993 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के बागी हुए सुंदरलाल एक बार फिर से जीत गए। फिर 1958 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हनुमान प्रसाद की जीत हुई और भाजपा हार गई। फिर 2003 के विधानसभा चुनावों में भाजपा में शामिल हुए सुंदरलाल को एक बार फिर से जीत का परचम लहराया। 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के श्रवण कुमार की जीत हुई। उसके बाद 2013 में मोदी लहर के साथ भाजपा के संतोष अहलावत की जीत हुई। फिर 2018 के विधानसभा चुनावों में फिर से भाजपा के प्रत्याशी सुभाष पूनिया विजयी हुए। अब 2023 के चुनाव हैं, ऐसे में देखना होगा कि इस बार यहाँ कौन बाजी मारता है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।